हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। मंडे के 7 अगस्त के लिए हम लोग एनालिसिस देख रहे हैं। लास्ट वीक एक बम्पर जैकपॉट प्रॉफिट था, एवरीडे हमने रॉकेट प्रॉफिट बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट 3 डेज से एक कंटिन्यूअस गिरावट थी, ऑलमोस्ट 19,800 से 19,300 पे आ गए, 500 पॉइंट्स का। बहुत जन बोल रहे थे कि ये गिरावट अभी कितनी जाएगी, फिर फ्राइडे के दिन एक गैप ओपन होके एक अच्छा कैंडल बना दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन पे आया है। 19,300 एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जहां से वो बाउंस बैक गया। और यहाँ पे ये कैंडल का फॉर्मेशन अगर आप देखोगे ना, तो लोअर साइड से रिजेक्शन होके अपर साइड में कैंडल की, मतलब मार्केट में बायर जैसे एक डीप आ रही है, बायर्स बाय कर रहे और एक ही। और ये कैंडल तो स्ट्रेंथ बता रहा है कि भाई ये जो गिरावट थी ये यहां तक जाने के लिए रेडी है नेक्स्ट वीक के। तो निफ्टी के लिए जब तक अभी ये 19,300 के नीचे क्लोज नहीं होता, 5 मिनट से 15 मिनट का कैंडल, तब तक हम लोग बेरिश नहीं होंगे। इसके नीचे जाते ही यहां पे आप देख सकते हो कि कंटिन्यू 3 डेज हमने गैप अप देखा था, ये सडनली 18,900 के यहां पे आ जाएगा विद इन नो मैटर टाइम। यहां पे कुछ सपोर्ट है, एक गैप से ही तो एक गैप फटाफट फिल अप करने आएंगे। बट एज पर माय एनालिसिस यहां पे आप फिबोनाची अगर ऐड करोगे तो यहां से ये ए पॉइंट है मेरा और ये दिस इज माय बी पॉइंट, ये देखोगे तो एग्जैक्टली 0.5 का रिट्रेसमेंट आपको दिखेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली मेरा 19,320 और 19,300 मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से ही बाउंस बैक है। तो एज पर माय नॉलेज मंडे के दिन अगर ये 19,540 अगर निकलता है, मतलब ये 2 कैंडल्स का हाई जो बनाया था, तो ऊपर अगर एक 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज होता है, ये एज पर ओआर डेटा भी 19,500 का एक हर्डल है, तो ओआर डेटा पे मैं बताऊंगा। जैसे ये क्रॉस होगा तो मैटर एक 19,600 एंड 19,670 ये 2 टारगेट्स मेरे इजीली अचीव हो जाएंगे। स्टॉप लॉस क्या रखना है? स्टॉप लॉस आप यहां पे 19,480 का रख सकते हो या 19,450 का, दैट विल बी बेटर। और ये सडनली यहां तक आएगा, यहां पे आने के बाद मुझे सोचना पड़ेगा क्योंकि यहां पे अपर साइड से ट्रेंड लाइन का भी हर्डल आ रहा है, ये आपको दिखेगा। तो अगर इसके ऊपर एक कैंडल अगर क्लोज होता है, ये रेजिस्टेंस और ये ऊपर, तो माय गॉड एक बम्पर जैकपॉट रैली आपको अगेन 19,950 या 20,000 तक दिखे। ये पॉइंट मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज नथिंग बट 19,700। ऊपर जाते ही एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आपको दिखेगी नेक्स्ट वीक। दिस इज अवर ओआई डेटा एनएससी का, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 19,600 के यहाँ पे 1,32,000 और 19,700 के यहाँ पे 1,00,000 ऑलरेडी कॉल साइड में ओआई खड़े है। तो ये दिस इज act as a resistance 1 and resistance 19,600. तो वैसे मैंने बोला कि 19,540 निकलता है तो 19,700 आ जाएगा, फिर 600 के बाद डायरेक्टली वो 700 अचू दिखेगा। सेम एज अगर आप सपोर्ट का देखोगे तो पुट साइड में यहाँ पे 19,400 act as a strong support. जैसे buy on the dip 19,400 के करीब आएगा तो ये यहाँ पे भी आपको देखना है कि change in OI कितना हो रहा है, कि ये as it is खड़े रह रहा है, that will act as a strong support. This is the entire Nifty का analysis. तो यहाँ पे short हम लोग कभी करेंगे, अगर ये 19,400 के नीचे निकलता है तो हम short करेंगे, तो वो 19,300 तक लेके आएगा। Long कभी करेंगे, 19,540 अगर निकलता है तो इन बिटवीन अवॉइड करो, दैट विल बी द नो ट्रेडिंग। इफ 19,500 टू 19,540 के आप पे अगर एक कुछ बेरिश कैंडल मुझे दिखता है, इनवर्टेड हैमर बेरिश एंगल्फिंग विद ओआर डेटा बेरिश, जो मैं मेरे ओआर डेटा शीट से देखता हूँ, आप डेफिनेटली पुट शॉर्ट पुट को बाय कीजिए वहां पे टॉप में, आपको फिर से बॉटम बताए। 19,400 के यहाँ पे अगर आपको बुलिश एंगल्फिंग और हैमर इस टाइप के कैंडल्स अगर दिखते हैं विद ओआर डेटा कंफर्मेशन, तो वहां पे आप लॉन्ग करके जाइए। नाउ नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी आप देखोगे कि पहले एक चैनल में वर्क हो रहा था एंड लास्ट वीक वो चैनल ब्रेकडाउन हुआ, जो हमने प्रेडिक्ट किया था, और इसमें काफी 1000 पॉइंट्स की गिरावट आई। बट ये गिरावट डॉट अगर आप देखोगे तो दिस इज माय ए पॉइंट, अगेन दिस इज माय बी पॉइंट। जैसे निफ्टी में हमने 0.5 का रिट्रेसमेंट देखा था, यहाँ पे ये वो रेशियो डॉट गोल्डन रेशियो जो 0.618 का है, 44,400 से लेके 44,500 जो मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से ही वो बाउंस बैक गया। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि डाउनसाइड रिजेक्शन कैंडल, और नेक्स्ट डे फ्राइडे के दिन एक अच्छा कैंडल बना है, बट वहां पे अपर साइड से भी रिजेक्शन आ चुका है। तो मुझे अब क्या करना है? तो मेरे लिए 44,200 एक बेंचमार्क है जो इस दिन का लो था, दिस
44,250 इसके नीचे जाता है तो ही हम बेरिश होंगे, अदरवाइज दिस इज कॉल्ड एज रिट्रेसमेंट इन द हायर टाइम फ्रेम डेली चार्ट पे, तो ही हम लोग बेरिश होंगे और फिर नीचे साइड बहुत बड़ा डाउनफॉल देख सकते हैं। हम लोग लॉन्ग कभी करेंगे अगर ये परसों का जो हाई था फ्राइडे के दिन वो अगर निकलता है तो हम लोग लॉन्ग करेंगे और ये फिर से ट्रेंड लाइन को टच करने जा सकता है, दैट इज नथिंग बट 45,500 का। यहां पे जाके एक बार हम लोग सोचेंगे क्योंकि पहले जो ट्रेंड लाइन का जो यहां पे था सपोर्ट वो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये पॉइंट ऑफ इन बिटवीन आप छोटे छोटे बाउंस बैक होते हैं उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, बट आई विल एग्रेसिवली से कि तब तक आपका 45,150 नहीं निकलता तब तक लॉन्ग मत करो, वो आपको लीड करते जाएगा 45,500। बट अगर कल फिर से मुझे अगर 45,000 या 45,100 के यहाँ पे अगर बेरिश कैंडल मिलता है तो हम लोग टॉप में भी पुट बाय कर सकते और बॉटम में यहाँ पे जो भी कुछ 44,500 से लेके 44,700 का जो भी कुछ सपोर्ट है वहां पे मुझे अगर कुछ बुलिश एंगल्फिंग मिला तो हम लोग लॉन्ग कर सकते। दिस इज बैंक निफ्टी का एनएससी का ओआर डेटा, यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे वर्क हो रहा है। पहले आपको दिखेगा कि 45,000 एक मेरा स्ट्रॉन्ग हर्डल है, वो अगर निकलता है तो वहां पे जैसे मैंने चार्ट पे बताया था कि 45,500 का एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आएगा जो पहले सपोर्ट कर रहा था क्योंकि वहां तक मार्केट जाने के लिए रेडी और 45,500 के यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। तो मंडे के दिन अगर ये मंडे 45,000 अगर निकलता है इजिली एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, दैट्स लीड्स टुवर्ड्स 300 to 500 पॉइंट 45,500 तक लेके जा सकते हैं क्योंकि ये R1 और ये R2 है, दैट इज रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस। सेम एज डाउन साइड अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 13,000, 44,700 and 1,43,000, 44,500 लेना है तो आपके ओवर डेटा शीट में आपको मिनिमम 2 to 3 टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बेरिश देखना बहुत जरूरी है। जब भी आप बुलिश का ट्रेड ले रहे हो तो मिनिमम टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बुलिश होना बहुत जरूरी। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेड कि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो प्राइस एक्शन प्लस ओआई का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। काइंडली ट्रेड मत करो, लर्निंग अप्रोच रखो क्योंकि यही लर्निंग अप्रोच आपको निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकता है इफ एंड ओनली इफ के पास नॉलेज एंड डिसिप्लिन ट्रेडिंग है तो ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।